नमस्कार जी, मैं मंजू। वैसे तो आप सुन ही रहे होंगे और प्रिकॉशन भी ले रहे होंगे, लेकिन आज मैं भी आप लोगों को इस बारे में बात करना चाहूँगी। तो प्लीज़ आप 2 मिनट निकाल कर मेरी बात ज़रूर सुने। और वैसे तो आप जानते ही होंगे ये सब चीज़ें, तो मैं ज़्यादा नहीं इसके बारे में बोलूँगी, बस थोड़ी सी बात करूँगी। तो मैं कोरोना वायरस की बात कर रही हूँ, जिसकी कि कोई भी अभी वैक्सीन तैयार नहीं हुई है। तो ये मैं पहले ही आपको बता देना चाहती हूँ कि मैं कोई इस मामले में एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि जिस तरह से मैं खुद को और अपनी फैमिली वालों को इस बीमारी से बचाने की कोशिश जैसे मैं कर रही हूँ, उसी तरह से जो मेरे व्यूवर्स हैं वो करें और आप सब जो हैं ठीक रहें। तो अब तक आपने प्रिकॉशंस बहुत बार सुन लिए होंगे, जैसे कि हाथों की सफाई, जब तक बहुत ज़रूरी ना हो तब तक बाहर ना जाना, ट्रैवल ना करना। और हम इस बारे में ज़्यादा नहीं बात करेंगे, मैं बताऊंगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो आपको पता होंगी और वीडियो फिर मेरा बहुत लंबा हो जाएगा। मैं बस कुछ एक चीज़ कहना चाहती हूँ। तो मैं अपने घर में छोटी छोटी चीज़ें जो क्या करती हूँ, तो मैं ज़रा सी बस थोड़ा सा बताऊँगी, ज़्यादा नहीं बताऊँगी। जैसे मेरे हस्बैंड जो है ऑफिस से आते हैं, घर आते हैं, तो मैं क्या करती हूँ कि पहले ही जो डोर्स हैं उनको खोल देती हूँ, और ताकि वो बाहर से आने पे उनकी जो हैंडल हैं डोर के उनको हाथ ना लगाएं। और वॉशरूम का जो डोर भी मैं पहले से ही खोल देती हूँ और लाइट्स ऑन कर देती हूँ, ताकि वो अपने हाथों का इस्तेमाल उसे छूने में ना करें, फिर धोने के बाद इस्तेमाल करें। तो ये सब करती हूँ मैं। और मैं अपने घर के जैसे स्विच बोर्ड हुए और डोर वगैरह हुए, उनके हैंडल जो हैं, तो उनके क्योंकि बार बार सबके हाथ लगते हैं, तो मैं रेगुलरली उन्हें साफ़ करती हूँ। और किचन में खास करके जो ऐसे कपड़े होते हैं जिनसे हम शेल्फ वगैरह साफ़ करने में इस्तेमाल करते हैं, उन्हें भी मैं रेगुलरली साबुन से साफ़ करती हूँ। तो इसके अलावा भी मैं बहुत सारे जैसे साफ़ सफाइयाँ, खाने पीने का भी ध्यान देती हूँ, तो वो सब तो आप जानते ही होंगे। और जैसे काली मिर्च का खाने में खूब इस्तेमाल कर रही हूँ, लहसुन का खाने में खूब इस्तेमाल कर रही हूँ, जैसे कच्चा लहसुन भी ज़रूर खाया जाए तो उससे भी बहुत फ़ायदा होता है। ये सब चीज़ें कर रही हूँ। और दूसरा, जहाँ तक ट्रैवल करने की बात है, तो मेरे हस्बैंड जैसे कुछ उनके टूर प्रोग्राम बने थे, तो मैंने उन्हें वो कैंसिल करने को बोला, ये सब किया। तो अभी आप जानते ही हैं, आप सब जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपील की है कि संडे को, कल 22 तारीख को जो जनता कर्फ्यू करे। लेकिन ये एक दिन घर में रहने की जो रहने से नहीं चलेगा, और क्योंकि ये तो बीमारी अभी हमारे फैल ही रही है। तो यहाँ तक पॉसिबल हो आप सब कोशिश करें कि आने वाले दिनों में आप घर पर रहें। मैं तो पिछले कई दिनों से ऐसा ही करती आ रही हूँ और कल भी ज़रूर करूँगी। और जो लोग ये सब नहीं कर पाएंगे, जैसे कि जो हेल्थ केयर सेक्टर के लोग हुए, जो दुकानों में काम करते हैं, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर काम करते हैं, सफाई कर्मचारी वगैरह, और ऐसे कई तरह के जो लोग होंगे, उन्हें मैं दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ और उन्हें शुक्रिया कहना चाहती हूँ कि इतने मुश्किल टाइम में अपनी लाइफ को जोखिम में डालकर वो हमें जो है अपनी सेवाएं दे रही हैं। और मैं क्या करूँगी, कल 5 बजे मैं अपने डोर पर क्लैपिंग करके, ताली बजा के उनको प्राउड फील करवाना चाहती हूँ, उन सबको। और होप करती हूँ कि इस मुसीबत की जो घड़ी है, तो आप लोग एक दूसरे का ध्यान रखेंगे, और ये ध्यान जो है मिलने जुलने से नहीं, दूरी बना कर रखें। आजकल हमारे पास आप जानते हैं कि बहुत सारी सुविधाएं, जैसे वीडियो कॉल वगैरह कर सकते हैं, तो आपके दोस्त हैं वो सब हैं, तो आप वीडियो कॉल करके उनके हाल चाल जान सकते हैं। और साफ़ सुथरा हेल्दी खाना खाएं, बस यही सब करना है। तो मेरा ख्याल है कि आप सब ये सब ज़रूर करेंगे। और
कमेंट्स में लिखें कि आप क्या क्या कर रहे हैं। वैसे लिस्ट तो मेरे पास बहुत लंबी चौड़ी थी, फिर वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और फिर मैं आपका भी जानना चाहूँगी कि आप क्या क्या कर रहे हैं, और वो फिर वो चीज़ें अगर मुझे जो भी लगेंगी कि बहुत सही हैं तो वो भी मैं अपने घर में फॉलो करूँगी। बाकी अफवाहों पर ध्यान ना दें और घबराएं नहीं, और जो है साफ सफाई पे ध्यान रखें, बस यही सब आपने करना है। नमस्ते जी। मेरे गार्डन के इन्हीं खूबसूरत फूलों के साथ शुक्रिया जी।